सो हेलो गाइस, कैसे हो आप दोस्तों। आज हम आर्टोडेस्क के टूल ऐसे जानने वाले हैं, शायद आपने कभी नहीं जाने होंगे। ओके, जस्ट वन क्लिक के अंदर कुछ हमारी फोटोज हम इस तरह से करने वाले हैं, हर एक अलग अलग टाइप से बताते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग टाइप से बताता हूँ। ओके, सो हम आज एडिटिंग ओनली आर्टोडेस्क में करने वाले हैं। सो आपकी फोटोज फर्स्ट शेयर कर लेना है आपको आर्टोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। ओके, देन आर्टोडेस्क में शेयर करने के बाद आपको एक लेयर बनानी है। सिंपली से लेयर बनाने के बाद आपको कलर है वो सेलेक्ट करना है, जो कि आपके फेस के ऊपर वाइट कलर आपको देना है। सो ग्रीन से थोड़ा वाइट कर लेना। देन उसके बाद आपको एक ब्रश सेलेक्ट करना पड़ता है, एंड टर्डेसन में जाके येलो ब्रश है, आपको येलो सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसकी जो सेटिंग रखनी है वो मैं आपको सेटिंग बता दूंगा, एंड आप ये वाली सेटिंग है इसकी स्क्रीनशॉट रखकर आपके पास रख लीजिए। ओके, देन उसके बाद अपनी पिक्चर को जूम करके कुछ अपने फेस पर इस तरह से चलाना है। एंड वेट दोस्तों, एंड इसको हम स्क्रीन कर लेते हैं जानी। ओके, तो सिंपली से आपने जो लेयर ली थी लेयर के ऊपर क्लिक करना है, एंड लेयर ऊपर क्लिक करने के बाद पेंटिंग देखने में आ रहा होगा। सो आपको फाइनली पेंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आ गया सॉफ्ट लाइट। ओके, सो सॉफ्ट लाइट के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद जो आपके फेस के ऊपर रह गया था वहाँ पर सारी की सारी जगह पर चला लेना है। ओके, तो आप सिंपली से टाइम रख कर ही चलाना, मेरे पास तो टाइम बहुत ही कम रहता है, इस वजह से मैं जल्द ही कर लेता हूँ। सो देन उसके बाद फिर से आपको एक लेयर लेनी है, एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना दूसरी। देन उसके बाद इसका जो लेयर आपकी जो लेयर थी उसको आपको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद उसके बाद देन आपको एक डुप्लीकेट लेयर लेनी है। ओके, तो फर्स्ट में हम हमारा जो ब्रश है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, जो ये ट्रेंडर्स में ब्रश है सेम टू सेम वही का वही सिलेक्ट करना, लेकिन ये फेस स्मूथ तो में रिलेटेड है वीडियोस सॉफ्ट इरेजर वन, ठीक है। तो याली सेलेक्ट करना, एंड उसकी जो सेटिंग है वो याली सेटिंग रख लेना। ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप करके रख लीजिए। देन उसके बाद अपने फेस पर चलाना, ठीक है। ये आपका ब्रश है, ये आपके फेस को बिल्कुल स्मूथ कर लेगा। ओके, जो ब्रेक दाने रह गए, धक्के दाने रह गए, टोटली स्मूथ ही कर लेता है। ओके, जस्ट वन क्लिक के अंदर। ओके, देन सो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। एंड इतना करने के बाद गाइस आप देख सकते हो हमारे फेस के पिंपल वगैरह सारे मिट चुके हैं, लेकिन अभी हमें व्हाइट बनाना। सो सिंपली से एक लेयर लेना बनाना, लेयर बनाने के बाद आप एक ब्रश सेलेक्ट करना है कलर्स वाला, ठीक है। उसको लाइब्रेरी में चले आना, तो यहाँ पे आप एक आपको ब्रश सेलेक्ट करना पड़ता है जिसकी मदद से आप अपने फेस को वाइट कर सके। वाइट कलर भी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। देन गाइस लेयर जो आपने सेलेक्ट की थी उसी लेयर पर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपने बताया आपको सॉफ्ट लाइट रखा था, सो सेम टू सेम वही का भी सॉफ्ट लाइट रखना है। ओके, एंड उसके बाद आपके फेस के ऊपर कुछ इस तरह से चला लेना है। ओके, आपको सो दोस्तों आप देख सकते हो आपका फेस जस्ट वन क्लिक के अंदर कितना बेस्ट और बेस्ट स्मूथ हो चुका है। ओके, एंड उसके बाद दोस्तों जो आपने लेयर ली थी उस लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आप फिर से लेयर के ऊपर क्लिक करना है, एंड इसकी जो ओपेसिटी है आपके हिसाब से आप जितनी रखना चाहो उतनी रख सकते हो ओपेसिटी। ओके, एंड उसके बाद इस लेयर को मर्ज कर लेना है। उसके बाद हमारी हेयर एडिटिंग है, तो हेयर एडिटिंग कर लेते हैं। सो बाय द वे उसके बाद आपको पता है सारा टूल हमारा डुप्लीकेट कॉपी पर चलता है। ओके, तो इसके बाद लेयर बनानी पड़ती है जिसको हम कॉपी भी बोलते हैं, लेयर भी बोलते हैं, जो आप बोले सो बोल सकते हो। ओके, देन उसके बाद हेयर कलर के बाद आपको यह हेयर कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग आप रख लेना है यार जो मैं बता रहा हूँ, एंड आपको जो स्क्रीन शॉट तो स्टेप बाय स्टेप रख लेनी है। ओके, एंड उसके बाद कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो कलर हम रेड कलर करने वाले हैं, सो रेड कलर ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद राउंड राउंड तरह कैसे आपसे अपने अपने बालों पर चला लेना है आपको। एंड उसके बाद जो हमने लेयर ली थी लेयर की ओपेसिटी थोड़ी हम कम ले कर लेते हैं, एंड उसके बाद अपने हेयर पर चला लेना है इस तरह से।
देन उसके बाद जो हमने लेयर ली थी गाइस उस लेयर पर आपको सिंपली से सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपकी इसके ओपेसिटी ये देख सकते हो कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके तो दोस्तों आप देख सकते हो आपकी पिक्चर बिल्कुल ही बन चुकी है रेडी एंड उसके बाद शेयर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपनी फोटोज़ को आप गैलरी के अंदर सेव करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।